ब्रेक के बाद सी न्यूज़ भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित आरडीएसओ में तृतीय श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन के आम चुनाव में मतदान के दौरान सी न्यूज़ भारत के कैमरे पर जहां प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, वहीं रेलवे कर्मी मतदाताओं ने कर्मचारियों की समस्याओं को साझा किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सुनील कुमार पाल के साथ ब्यूरो उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। आरडीएसओ स्थित न्यू ऑडिटोरियम में आज सीटीएसए यानी तृतीय श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन आम चुनाव संपन्न हो रहा है। हर दो वर्ष के बाद होने वाला ये आम चुनाव रेल कर्मचारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सीटीएसए आरडीएसओ का एक बहुत बड़ा संगठन है जो तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के हितों के लिए काम करता है। आरडीएसओ कैंपस में चाहे अस्पताल की समस्या हो, सुरक्षा की बात हो अथवा तृतीय श्रेणी कर्मचारी की नौकरी से जुड़ा कोई मामला हो, सभी समस्याओं के समाधान के सीटीएसए विभाग के उच्चाधिकारियों से लेकर रेल मंत्रालय तक दौड़ लगाता है। इसलिए कर्मचारियों के हितों की बात करने वाले इस संगठन का चुनाव तृतीय श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सीटीएसए के चुनाव में आज मतदान के दिन बड़ी संख्या में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न पदों के लिए वोट डाला गया। संगठन के इस आम चुनाव में मशाल चिन्ह लिए महामंत्री पद के लिए आशुतोष चौबे एवं अध्यक्ष पद के लिए दिलीप कुमार मैदान में हैं। इसके अलावा अन्य पदों के लिए भी मशाल चुनाव चिन्ह से आरडीएसओ कर्मचारी संघ के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आरडीएसओ कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी इस चुनाव में झंडा चुनाव चिन्ह लेकर ताल ठोकी है। झंडा चुनाव चिन्ह से महामंत्री पद के लिए महेंद्र सिंह तथा अध्यक्ष पद के लिए संतोष कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। आरडीएसओ कर्मचारी मंच की ओर से मोनू कुमार ने खुली किताब चुनाव चिन्ह लेकर अध्यक्ष पद हेतु दावेदारी ठोकी है। वहीं अध्यक्ष पद के लिए सूरज के निशान पर देवाशीष राय चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान के दौरान सी न्यूज़ भारत के कैमरे पर प्रत्याशियों ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं बताई। वहीं वोट डालने आए रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि वह किन किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं। मतदाता कर्मचारियों ने बताया कि कर्मचारी हितों की बात करने वाले प्रत्याशी को वह सीटीएसए का महामंत्री व अध्यक्ष बनाएंगे। वोटिंग के बाद मतगणना शुरू होगी जो मध्य रात्रि तक चलेगी। कौन होगा सीटीएसए का महामंत्री और अध्यक्ष, ये चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित आरडीएसओ प्रांगण में आज सीटीएसए का चुनाव संपन्न हो रहा है। विभिन्न पदों के लिए आज यहाँ पर मतदान किए जा रहे हैं। तमाम प्रत्याशियों का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं और मतदाताओं की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उनके वोट कहाँ पड़ेंगे इत्यादि मतदाताओं की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आप लोग मतदाता हैं या चुनाव लड़ रहे हैं? आप लोग मतदाता हैं? मतदाता है। किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? आरडीएसओ में व्याप्त समस्याओं का निदान हो, जो भी समस्याएं आरडीएसओ की, जो भी समस्याएं कर्मचारियों के पदोन्नत की समस्याएं हो, चाहे घरेलू समस्याएं हैं। आरडीएसओ में सबसे बड़ी समस्या जो है कि आए दिन चोरी की समस्या है। हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम कल ही एक बड़ी घटना हो गई थी यहाँ पे हुई है। हम चाहते हैं आरडीएसओ प्रशासन जो सो चुका है वो जागे, और हमारे जो मित्र क्रांतिकारी मित्र चुनाव लड़ रहे हैं, प्रशासन के जीना हराम कर इस मुद्दे पर, ताकि हमारे लोग और हमारे बाल बच्चे सुरक्षित। मैं अजय कुमार सिंह, वर्तमान क्लासिकल स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, और आज अंतिम दिन फिलहाल लग रहा है यहाँ की जनता जागरूक है, जो भी करेगी अच्छा करेगी। लेकिन जो भी हाँ, बेशक हमेशा से जागरूक हैं, अपने प्रतिनिधि प्रति जागरूक रहते हैं, और इनकी जागरूकता का ही असर है कि अच्छे लोग चुन के आते हैं। इसी क्रम में और भी वो करता है, आप उनसे भी हम बात करें। जिला हमारे भूतपुर भैया, क्या नाम है आपका? आप भी आगे यार और बोलना चाहिए था। बोल दो कि यहाँ से पुलिस और आरपीएफ को हटाना चाहिए। बोलना निशान को, बोलना मैं भूल गया। फिलहाल क्या लगता है कि चुनाव के संपन्न होने के बाद लोग
पर जो व्यवस्थाएँ हैं आरडीएसओ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अस्पतालों की, स्कूलों की या कार्यालयों की, रोडों की, तो कुछ सुधरेगी दादा का दिनों में व्यवस्था है, उसको और बेहतर बनाया जाएगा। व्यवस्था तो प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से, और उसको और बेहतर बनाने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पे उपलब्ध है, जो कि इसको और से कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यह चुनाव वाकई देखा जाए तो कर्मचारियों के हितों के लिए है, उनके परिवार के हितों के लिए है, और जिस तरह से आज रेलवे कर्मी बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चुनाव के प्रति वो लोग काफ़ी जागरूक हैं। इसी क्रम में आरडीएसओ कर्मचारी संघ की यहाँ पर टीम खड़ी है, इनके लोग, इस संघ के लोग विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे सुशान जी, भैया आप किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं महामंत्री पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। सपोज करिए यदि यहाँ के रेलवे कर्मचारी आपको महामंत्री बना देते हैं, तो आपको प्राथमिकताएं क्या होंगी? चूँकि जो कर्मचारियों के समस्याएं हैं, उस समस्याओं को जो है अपने स्तर पर प्रशासन के सामने के लिए आ जाइए। होता है डिफरेंट डायरेक्टर वाइज भी है हमारा, कुछ अपनी सी टी एस ए के माध्यम से हम हर एक लेवल पर उठा करके उसको सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। तो क्या लगता है, क्या चुनौतियां आने वाली हैं? आप चुनाव आते हैं तो चुनौतियां क्या सामने आएंगी? चूँकि कोई भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन आने के बाद तो चुनौतियाँ तो रहती हैं। एक चुनौती के साल होगा, दूसरी चुनौती आएगी, लेकिन हमारी टीम एक जुझारू टीम है। हम लोग तक सभी चुनौतियों से जो है लड़ने के लिए वो पूरा काम करेंगे, टीम भावना से काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उस पर हम लोग सफलता मिलेगी और कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तैयार हैं। देखा जाए महामंत्री पद सबसे बड़ा पद है इस चुनाव का, और इसी के साथ भैया आप अपना पद देखें। मेरा नाम सुरजीत सिंह है। किस पद के लिए चुनाव लड़ा? मैं यहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए हूँ, मशाल टीम के साथ। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर सर हम यही कहना चाहेंगे कि एक एनर्जेटिक टीम है, मशाल टीम है, और हम लोग का पूरा यही ध्येय रहेगा कि जो हमारे साथी लोग हैं, इन लोगों की जो भी समस्याएं हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इनको लेकर के रिजॉल्व करें, ताकि जो भी इश्यूज हैं टाइम से रिजॉल्व होकर के हमारे साथियों की जो समस्याएं हैं हल हों, और हम सभी लोग बेनिफिटेड होकर एक अच्छे माहौल में यहाँ पर रहें। आपको अध्यक्ष बन रेलवे कर्मी आपको अध्यक्ष बनाते हैं, आप चुने जाते हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? हमारी प्राथमिकताएं एक हॉस्पिटल को लेकर है, और एक IOW से रिलेटेड है, और जो भी टाइम टू टाइम जो भी नए नए प्रॉब्लम आते रहेंगे उसको रिजॉल्व करेंगे। सर आपका प्रसार भोरेश्वर शर्मा, हम कैंटीन प्रत्याशी हैं, और कैंटीन में जो इस समय चल रहा है उसके लिए सुधार की कोशिश करेंगे पूरी टीम के साथ। निश्चित रूप से किसी परिसर में या किसी कैंपस में कैंटीन की जब बात आती है तो उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है, लोग छुट्टी करते हैं, थके रहते हैं, कहीं कहीं रेस्ट करते हैं, पानी की व्यवस्था होती है। तो क्या इस समय जो कैंटीन चल रही है वो बढ़िया नहीं चल रही है? कैंटीन बढ़िया क्या, यहाँ सुनवाई नहीं होती है ऊपर लेवल से, जो भी है जो अधिकारी चाहता है उस हिसाब से कार्य हो रहे हैं। बाकी अब हम लोग आते हैं तो सुचारू रूप से जो आगे के कार्य होंगे वो करवाए जाएंगे। निश्चित रूप से सबके अपने सपने हैं और कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। भैया परिचय? गर्मी गर्मी किस पद से लड़ना? मैं सर एस से लड़ता हूँ, SBF मशाल टीम जी। क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारी जो मशाल टीम है वो तत्परता से लड़ेंगे, और जो कर्मचारियों के हित में जो भी कार्य होंगे उसको पूर्ण करेंगे। सर SBF स्टाफ बेनिफिट फंड होता है, इसमें अनेकों योजनाएं होती है जिसको सही तरीके से अपने कर्मचारियों के पास पहुंचे, इसके लिए प्रयास करेंगे। और पहले भी हम रहे हैं तो हमने बहुत से चीज़ों को सुधारा है, और आगे आने के बाद और भी जो भी संभावनाएं होंगी जिसमें बेटर किया जा सकता है कर्मचारी हित के अंदर। देखा जाए तो कर्मचारियों की योजनाओं की बात करें, योजनाओं का लाभ पहुँचने की बात करें, तो बड़ा महत्वपूर्ण रोल आप लोगों का होता है। जी जी, बहुत रोल होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग फंड हैं, जैसे कैंप कराना है, महिला सशक्तिकरण का कैंप कराना है, जो हमारे लांग लोग उनको साइकिल देना है, कैंटीन में अगर किसी से जरूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा फंड की तो हम लोग अपने फंड प्रोवाइड कराते हैं। इस तरीके मतलब तमाम जैसे चश्मे की योजना है, मृतक के घर वालों को मृत होने पर उस पर एक अनुदान की राशि दी जाती है।
तो ये थी मशाल टीम, और मशाल टीम के लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री तमाम पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आज वोटिंग पड़ रही है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि इस चुनाव में अध्यक्ष कौन चुना जाता है, महामंत्री कौन चुने जाते हैं, संगठन है, उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि उनकी योजनाएं क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या है। इसी क्रम में न्यू प्रेक्षागृह स्थित मतगणना स्थल पर आडीएसओ कर्मचारी मोर्चा यानी झंडा वाली टीम यहां पर खड़ी है, और इनके लोग विभिन्न पदों पर आज चुनाव लड़ रहे हैं। इनके लिए आज रेलवे कर्मचारी वोट डाल रहे हैं। इनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, इनकी भावी योजनाएं क्या हैं, इनसे हम बात करेंगे। महेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं महामंत्री पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेलवे बोर्ड का एक टेक्निकल एडवाइज़र कहा जाता है। यहाँ पे तमाम तरीके की रिसर्च और डिज़ाइन का काम होता है। यहाँ जो मुद्दे हैं वो अलग तरीके के होते हैं। हमारा जो एक स्टेटस जोनल रेलवे पहले होता था, मतलब अटैच्ड ऑफिस का होता था, उस जोनल रेलवे करने से तो हमारे एक प्रमोशनल एवेन्यूज कर उसका बहुत बड़ा वो स्टॉपेज हो गया। तो हम ये मुद्दा इस बार उठाएंगे। बाकी लोकल मुद्दे में हमारे हॉस्पिटल के सिविल मेंटेनेंस की समस्याएं वो उठाएंगे, और पॉलिसी रिलेटेड जो हमारे कई कैडर हैं उनकी समस्याएं, उनके प्रमोशन टाइम पे नहीं हो रहे हैं, आर एन पे रोड वगैरह उनके हैं और स्ट्रक्चरिंग वगैरह है, तो वो मुद्दे सब हम हमारे उसमें एजेंडा में हैं। एजेंडा पे हम पॉइंट वाइज बैठेंगे, जब अगर विजयी होते हैं तो हम उसको पूरे को लेके सबको पूरा इन्वॉल्व करेंगे, एजीएम करेंगे, उसके बाद सबसे विचार लेंगे, उनको फिर से अपने कार्य में आना की आवश्यकता है। हम तो भुला गए, बिठाते हैं। तो आपने भी सोचा होगा जब चुनाव लड़ने का आपने निर्णय लिया होगा कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो साल नहीं हो रही है, क्या हो जाए जी साल कर, वह क्या समस्या है? समस्याएं सबसे पहले तो ये है कि सीटीएसए का हमारा ऑफिस है वर्तमान टीम में, तो वो ऑफिस पिछले कई साल से खुल ही नहीं रहा। एक हमारे यहाँ एक नेगोशिएशन के स्टेजेस बने हुए हैं, ऑफिस काउंसिल उसको बोला जाता है, तो डीजी के साथ मीटिंग होती है, डीजी के लेवल से अगर नहीं होता है मुद्दा तो रेलवे बोर्ड के साथ ऑफिस काउंसिल में आती है, तो वो पिछले 3 साल से हो ही नहीं है। तो हमारे कर्मचारियों के मुद्दे जो हैं वो आगे उसमें प्रशासन के पास जाने, हमारा ये है कि सबसे पहले हम उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, हम तुरंत अपना एजेंडा तैयार करेंगे ऑफिस काउंसिल के लिए, उसके बाद हम ऑफिस काउंसिल को जो है अपना रेलवे बोर्ड लेवल पर और डीजी लेवल पर दोनों लेवल पर करेंगे। आपका परिचय? मैं संतोष कुमार सिंह, एनडीए की टीम से मैं अध्यक्ष पद पे उम्मीदवार हूँ। जैसा कि महेंद्र सिंह ने बताया, तो बेसिकली ये सीटीएसए जो है, सीटीएसए जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे आरडीएसए, उसका एक मतलब संस्था के रूप में रिप्रेजेंट करता है, हम सारे कर्मचारियों का एक रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे उसके लिए ये सीटीएसए बना हुआ। तो बेसिकली जो रूल्स रेगुलेशंस रेलवे के चलते हैं वही हमारे ऊपर भी लागू होते हैं। सीटीएसए का फुल फॉर्म क्या होगा? ये है क्लास थ्री स्टाफ एसोसिएशन है, सीटीएसए क्लास थ्री स्टाफ एसोसिएशन। तो स्टाफ लोग अपने मुद्दे को सीटीएसए के मंच के थ्रू आप ऊपर पहुँचाते हैं, जैसा कि रेलवे में आपको पता है यूनियन चलता है, तो यूनियन जो चलता है ये परमानेंट नेगोशिएशन मैकेनिज्म है, पीएनएम मैकेनिज्म, जिसमें हमारी कुछ मांगे होती है उसके साथ में बोर्ड लेवल पे नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन पे हम लोगों का कुछ मांगे मांगी जाती है, कुछ मांगों पे डिस्कशंस होता है, जो भी जाए जाए मांगों के बीच में एक हस्तांतरण हो जाता है, और दोनों की सहमति से समय समय के अनुसार जो है इन्वायरमेंट बदलता है, जरूरतें बदलती है, नियम बदलता है, कानून बदलता है, तो ये बदलाव के जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में यूनियन एसोसिएशन का एक योगदान होता है, जो बेसिकली रेल का ही है। प्राथमिकता यही होगी कि 4 साल से कोई एक नेगोशिएशन मैकेनिज्म का कोई मीटिंग ही नहीं, हमारी कई जगहों पे एमएससीपी रुकी हुई है, कई कैडर्स में कई कैडर्स का प्रमोशन नहीं हुआ है, जैसा कि आपको पता है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, इसका कोई दूसरा काम दूसरे रेलवे के दूसरे एसएससी जेई जहाँ भी होते हैं उसके साथ में मैचअप नहीं करता। एक सवाल मेरे मन में उमड़ रहा है, जैसे तमाम संगठन है, आपका मोर्चा है, मंच है, कहीं संघ है, तो ये सब संगठन वाकई देखा जाए तो कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए आप लोग संगठित होते हैं, किंतु सीटीएसए का क्या रोल है रेलवे मंत्रालय से? रेलवे मंत्रालय से यही रोल है हम लोग का कि हम लोग जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं रेलवे मंत्रालय के नियम कानून हम पे लागू होने चाहिए और न्यायोचित तरीके से लागू होने चाहिए, अगर उसमें कहीं पे भी कोई त्रुटि होती है, जबरदस्ती होता है, मनुष्य हर जगह इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो गलती कर सकता है, उसके कुछ अपने स्वार्थ हो सकते हैं, तो उन स्वार्थों को परे रख करके जो कानून और न्यायोचित ढंग से तर्कसंगत हो वो फैसले लागू होना चाहिए लोगों के लिए।
अगर लागू नहीं होता है तो CTSA इसके लिए आवाज़ उठाता है। पिछले 4 साल से हमने कोई आवाज़ उठाई नहीं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है पेंडिंग होती चली गई। इससे क्या होता है, एक निरंकुशता आती है। जो प्रशासन है वो कहता है कि मुझे तो कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, हर चीज़ मैं बहुत अच्छा चला रहा हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं। उसको जो आगे करने के लिए हम लोगों के लिए मंच, तो ये मोर्चा पार्टी जो भी मंच है, जो भी जीत के आए हैं कर्मचारियों के हितों को आगे लेके जाए, हम लोग उसके लिए हैं। यहाँ पे कोई सब हमारे भाई बंधु हैं, कोई ऐसा कोई व्यक्तिगत रूप से कोई मुकाबला नहीं है। हम जो भी आएंगे कर्मचारियों के हितों को आगे बढ़ाएंगे। मैं शशांक श्रीवास्तव उपाध्यक्ष के लिए उम्मीदवार हूँ। देखिए, अभी तक की CTSA का जो कार्यकारिणी थी और जो उनकी कार्यप्रणाली थी वो बिल्कुल अलग थी, और हम उसको पूर्णतः बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले क्या है, ये लोकल मुद्दे पर ही ध्यान देते थे और पर्सनल मुद्दों पर ध्यान देते थे कि 1-to-1 ध्यान दिया, एक किसी से पहचान है तो उसका काम करा दिया, दूसरे का है तो नहीं कराया। यहाँ हमारी पॉलिसी और नियमावली और जो हमारा एजेंडा है वही अलग है। हम सबसे पहले ऊपरी स्तर से, यानी कि जो CTSA का मुख्य काम है, वो हमें पॉलिसी जो लागू हो रही है वो नियमता, उसका कार्यान्वयन ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसको लागू कराना है। फिर कहीं किसी में खामी है तो उसको पॉलिसी बदलने के लिए भी आवाज़ उठानी है, ना कि गलत चली आ रही है तो, क्योंकि प्रशासन तो चाहता है कि फूट डालो और राज करो, तो आपस में ही लड़ा दो, हमारे तक मुद्दे ही ना आए। तो अभी तक यही होता आ रहा है 15 सालों से, हम आपस में ही लड़ते हैं, उस टीम का जीते या हमारी टीम का जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कार्यकारिणी बनेगी वो मिलके काम करेगी और प्रशासन तक एक एक आदमी की आवाज उठाई जाएगी। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, हॉस्पिटल है, कॉलोनी है, कॉलोनी में सारे लोग नहीं रहते, जहाँ 60-70% लोग कॉलोनी में रहते हैं, बाकी बाहर रहते हैं, तो कॉलोनी तक ही CTSA सीमित ना रहे कि गाय को भगाना है, कुत्ते भगाना है, सड़क सही करानी है, वो मुद्दा हमारा सेकेंडरी है। प्राइमरी हमारा मुद्दा होना चाहिए कि कैसे निरंतर प्रोग्रेशन होता रहे, कैसे लोगों को जो सुविधाएं हैं वो मिलती रहे। यहाँ लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता, तो उसके लिए MACP दिया जाता है, यानी कि जो है प्रोग्रेशन ना हो पाने के कारण 10 साल अगर प्रमोशन नहीं देते हैं तो उसको एक MACP दिया जाता है। वो भी MACP निश्चित डेट पे लागू नहीं होता, उसकी फाइलें 4-6 महीने बाद शुरू होती हैं, 1-2 साल बाद उसको सेंशन मिलता है, तो वो समय से लागू हो। कोई भी प्रमोशन है, कोई प्रमोशन LDC के एग्जाम हैं वो समय से हो, उनकी वैकेंसी का कैलकुलेशन अच्छे से निपटा, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ जो चोरियां नहीं रुक रही हैं वो RPF का है। इससे पूर्व में आज से 15-20 साल पहले यहाँ पे रिटायर्ड कर्मचारियों की एक थी, जो कि जो रिटायर्ड सर्विस वाले कर्मी थे वो यहाँ पर करते तैनाती रहते थे, जिसकी वजह वहाँ बहुत कम चोरी के मामले थे। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि RPF की वजह से और RPF के कई और काम हो सकते हैं, लेकिन वो पूर्णतया इस पे लागू नहीं करते हैं और पूर्णतया सशक्त एक्शन नहीं लेते हैं, इस कारण जो है चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसको यहाँ से हटाना है और पुनः पुरानी जो है ये योजना लागू करानी है। इसी क्रम में CTSA के चुनाव में यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। भैया, आपका परिचय? मेरा नाम देवाशीष रॉय, मैं परीक्षण निदेशालय में कार्यरत हूँ और इस चुनाव में मैं एज ए निर्दलीय कैंडिडेट मैं खड़ा हुआ। किस पद के लिए चुनाव लड़ रहा है? मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। यदि यहाँ के रेलवे कर्मी आपको अध्यक्ष पद के लिए चुनते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, क्या होंगी, और क्या लगता है आपको कि क्या काम नहीं हुआ, ये काम मैं कर सकता हूँ? देखिए, प्राथमिकताओं में सबसे पहला जो प्राथमिकता है वो है कि हमारी हॉस्पिटल की सेवाएं। हमारे हॉस्पिटल में क्या है, अगर आपके पास अप्रोच है तो पास है एक बढ़िया हॉस्पिटल में हो जाएगा आपका रेफर, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, एक अच्छा हॉस्पिटल में आपका रेफर होगा। अन्यथा जो है लोग जो स्कैनर भेजो, क्या है कि दर्द ठोकर खाते रहते हैं, किसी को SGPGI कर देगा, किसी को जो है KGMU कर देगा। अब SGPGI KGMU तो आदमी जो है अपने ही जा सकता है, यही है। और दूसरी बात यह है कि आप दवाई लेने जाइए, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके फैमिली में जो है आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, और किडनी ट्रांसप्लांट का केस इतना सेंसिटिव होता है, उसमें ये बोलते हैं कि हमको जो दवाई आ रही है मैं वही दवाई सप्लाई करूँगा। वाई? बिकॉज एक दवाई डॉक्टर जो है 4-5 महीने में टाइट्रेट करता है और उसके बॉडी को सूट करता है, तब वो जो है दवाई उस कंपनी की दवाई चलती है। तो क्या आप मानते हैं RDSO का जो हॉस्पिटल है ये पूर्ण रूप से इलाज करने में संतोषजनक नहीं है? एकदम पूर्ण रूप से इलाज करने में संतोषजनक नहीं है। पहला मुद्दा मेरा ये हॉस्पिटल को लेके है। दूसरा मुद्दा हमारा है कि हमारे जो है यहाँ पे परीक्षण के और ट्रैक मशीन के जितने भी सुपरवाइजर हैं, वो सुपरवाइजर जो है आपका जो है महीने में जो है 20-25 दिन जो है टूर पे रहते हैं,
और एज पर द गाइडलाइंस ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के गाइडलाइंस के हिसाब से जो है उनको जो है अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करवा रहे हैं तो उसके एवज में आपको ओवरटाइम देना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क इतना होता है, अभी हमारे परीक्षण में वंदे भारत का ट्रायल हुआ है 24/7, डीजी साहब ने भी लिख के पोस्ट किया, हमारे ईडी साहब ने भी लिख के पोस्ट किया, लेकिन किसी को एक पैसे का भी जो है ओवरटाइम नहीं मिला। इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। अधिकारी जो है सिर्फ जो है अपनी धौस जमा के जो है सबको शांत करा देते हैं, बेचारे कर्मचारी जो है कुछ नहीं कर पाते हैं। आज तक हमारे पास जो है पद नहीं था, एक प्लेटफॉर्म नहीं था। आज मैं उस प्लेटफॉर्म के द्वारा रेलवे बोर्ड तक लेके जाऊंगा, इसको जहां जहां लेके जाना है वहां पे लेके जाऊंगा। इस चुनाव में विभिन्न संगठन के लोग जोर आजमाइश कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। इसी क्रम में 850 कर्मचारी मंच के ये मोनू कुमार जी हैं और जो महामंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मोनू जी क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? बिल्कुल सर, कहना चाहेंगे क्योंकि एक नया यंग जनरेशन आती है, साथ में रखना चाहिए और एक नए जोश के लिए काम कर्मचारी मित्रों करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जिस तरह देखा जाए आपका चुनाव चिन्ह किताब है, खुली किताब है, तो क्या लगता है कि आप महामंत्री एक खुली किताब बनेंगे कर्मचारियों के लिए? तो सर, ये खुली किताब इसलिए बनी है कि कोई भी आए और अपना पक्ष रख सकता है, उसके हित में बात की जाएगी और ये बिल्कुल ऑल करप्शन होगा यहाँ पे कुछ नहीं, एकदम काम किया जाएगा। कर्मचारी कर्मचारी यहाँ के कर्मचारी यदि आपको महामंत्री पद के लिए मिलते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? तो यही होगी सर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बगल में चोरी बहुत ज़्यादा आ रही है, उसमें करेंगे क्योंकि अनसेफ है, तो ये सबसे पहला मुद्दा है। और जो सबसे बड़ा इशू है कर्मचारी है उसको वार्ड के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर बहुत इंडिविजुअल हमारे सभी साथियों को सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल, उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर के लोगों को है, जहाँ पर पूरा समय काम लिया जाता है, उस समय को रेगुलराइज कैसे किया जाए? तमाम लोग सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाते हैं, तमाम चोरियाँ होती हैं, तमाम ऐसी चीज़ें भी हर बार में जब दर्शन से आप चलाइएगा जब पहुँचो देखा जाए युवाओं के लिए ज़्यादा
समाधान निकाला जाए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।